हेलो वी गॉन दिस इज मी सातिया हेयर मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी फॉर हु नीड्स एट टॉपिक रीडिंग करेगा उन लोगों के लिए जो जानना चाहते हैं कि करंटली आपका पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहा है इट्स इसका ना भी एक कौन सो ज़्यादा कार्ड्स हम पुल आउट नहीं करेंगे लस्सी के क्या सोच रहा है आपका पर्सन राइट ना आपके लिए वाओ टू कप्स Uh, उसके दिल में आपके लिए जो फीलिंग्स हैं वो uh, मुझे लग रहा है कि वो फीलिंग्स को बहुत अच्छे से फील कर पा रहा है स्पेशली वो लोग जो सप्रेस uh, करते आए हैं अपनी फीलिंग्स को अपने इमोशंस को इस कनेक्शन को लेकर मुझे लगता है कि वो uh, वो स्पेशली वो uh, वो लोग जिनका पर्सन बहुत अनएक्सप्रेसिव रहा है या यू नो कभी अपने प्यार का इजहार उस तरह से नहीं किया मुझे लग रहा है कि कैन फील के अब वो टाइम आ चुका है जहां पर दे हैव टू एक्सप्रेस देयर लव एंड फीलिंग्स टू यू सो लेट्स सी कार्ड्स क्या कहते हैं और क्या सोच रहा है आपका पर्सन आपके बारे में वाओ यूजली कंसिडर इट द फूल कार्ड लेकिन क्योंकि ब्लैक वाला है इसमें जो रेड वाला होता है इट्स लाइक अ थिंग जो कि इट्स इट्स कन हैपन लाइक यू नो इट्स इट्स मोर ऑफ दैट एनर्जी विद दैट कार्ड लेकिन विद दिस इट्स मोर लाइक कि पर्सन सोच रहा है पर्सन एक्शन नहीं ले रहा लेकिन सोच रहा है सो so मुझे लगता है कि डेफिनेटली आपका पर्सन um, हो सकता है कि एक्सप्रेसिव होने के बारे में सोच रहा हो हो सकता है अगर आपके पर्सन ने कभी अपना प्यार एक्सप्रेस किया हुआ है तो हो सकता है कि वो कनेक्शन को आगे ले जाने की बात करे या कमिटमेंट की बात करे या मेकिंग थिंग्स ऑफिशल्स की बात करे ऑफिशियल uh, की बात करे और मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक आपका पर्सन जो है प्लान uh, करना चाह रहा है कुछ अबाउट द फ्यूचर ऑफ द टू ऑफ यू सो अगेन उसकी फीलिंग्स उसके इमोशंस काफ़ी स्ट्रांग हैं आपको लेकर राइट ना एट द सेम टाइम Uh, मुझे लगता है कि uh, एक uh, एक वो चीज़ या वो फैक्टर कि किस तरह से किया जाए सिचुएशन को किस तरह से आगे लेकर जाया जाए वो डेफ़िनेटली उसके माइंड में है um, हो सकता है कि करंट सरकम जो है वो काफ़ी डिफिकल्ट हो आप लोगों के लिए टू डील विद और टू ब्रिंग फोर्थ व्हाट यू नो योर पर्सन वांट्स लेकिन एट द सेम टाइम इट्स इट्स स्मॉल लाइक जो इन है वो मुझे लग रहा है कि उस चीज़ को इस कनेक्शन को आगे ले जाने की बात या यू uh, नो you know, uh, चीज़ों को आगे ले जाने का तरीका उसको समझ नहीं आ रहा लेकिन एट द सेम टाइम दिस पर्सन रियली वांट्स कि चीज़ों को आगे लेकर जाया जाए अगर कमिटमेंट हो चुकी है तो शादी की बात की जाए अगर एक्सप्रेस uh, नहीं किया प्यार तो प्यार एक्सप्रेस करने की बात की जाए सो so, वो किस तरह से करना उसके लिए सही है उसके बारे में सोच रहा है राइट right नाउ अभी मुझे एक्शन लेते हुए नहीं दिख रहा है यहाँ पर इनडिसाइसिव है कि किस तरह से करे किस तरह से बात को आगे लेकर जाए वो चीज़ हो रही है यहाँ पर लेकिन डेफिनेटली उसके दिन तो में आपके लिए जो फीलिंग्स हैं वो काफ़ी ओवरवेलमिंग है राइट right नाउ उसके लिए सो so, या yeah, ये थी रीडिंग आप लोगों की अगर आपका हेल्प किया होगा गाइड किया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब शेयर करो टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग आप लोगों के लिए टेक केयर एंड बाय